सर्द हवाओं की झंकार में नदियों की मस्ती छुपी है। हर पाल हर लम्हा यहाँ एक कहानी है मित्रों। इस गर्मी में आइए भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक अनोखे गंतव्य की खोज करने का साहस करें, जहाँ राजसी पहाड़ बहती नदियों को गले लगाते हैं। उत्तर पूर्वी भारत के सबसे लंबे ढोला सदिया पुल को पार करने के रोमांच का अनुभव करें और बहती नदी के किनारे और राजसी पहाड़ों से घिरे एक नदी शिविर तंबू में रात बिताएं, जबकि खुद को नदी के पानी की ताजा ठंडक में डुबोएं। अपनी यात्रा में शांति और आध्यात्मिकता का स्पर्श जोड़ते हुए गोल्डन पैगोडा की यात्रा करना न भूलें। मित्रों, मैं रुद्रदेव हूँ और अपने यूट्यूब चैनल अर्थ ड्वेलर रुद्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दो दिनों की यात्रा में मैं आपको अरुणाचल प्रदेश के कुछ अविश्वसनीय स्थानों पर ले जाऊंगा, जो असम का सीमावर्ती राज्य और उगते सूरज की भूमि है। निकटतम हवाई अड्डे डिब्रूगढ़ से बोमजर लगभग 166 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपके पास तिनसुकिया रेलवे स्टेशन पर रुकने का विकल्प है। हवाई अड्डे रेलवे स्टेशन से कोई अरुणाचल प्रदेश की निचली दिबांग घाटी के लिए टैक्सी किराए पर ले सकता है। अरुणाचल में प्रवेश के लिए आपके पास एक गेट सरकारी पास होना चाहिए, जिसे इनर लाइन परमिट या ILP के रूप में जाना जाता है। आप अनुमोदन के लिए ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। कोई बात नहीं, आपको प्रवेश द्वार पर भी मंजूरी मिल सकती है। इसी तरह हमारी यात्रा एक चमकदार धूप वाले दिन असम के एक छोटे से शहर दुलियाजान से शुरू हुई, जो शहर डिब्रूगढ़ से लगभग 35 किमी दूर है। हमारा प्रारंभिक गंतव्य बोमजिर गांव था, लेकिन हमने आसपास के कुछ स्थानों को शामिल किया जहां जाना अविश्वसनीय है। मित्र, मेरे साथ उन स्थानों की खोज के लिए मेरे साथ बने रहे। अरुणाचल की अनोखी जगहें हमेशा मनमोहक होती हैं और पर्यटकों का ध्यान खींचती हैं। हमारी यात्रा सुबह 7:40 बजे दुलियाजान से शुरू हुई। डेढ़ घंटे में हम उत्तर पूर्वी भारत के सबसे लंबे पुल, जिसका नाम ढोला सदिया पुल है, पहुंच गए। इस पुल को भूपेन हजारिका ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, जो वर्तमान में असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों को जोड़ने वाला पूर्वोत्तर भारत का सबसे लंबा पुल है। यह 915 किलोमीटर तक फैला है और लोहित नदी को पार करता है, जो ब्रह्मपुत्र नदी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह पुल दक्षिण में ढोला गांव को उत्तर में सदिया गांव से जोड़ता है। दोनों गांव असम के तिनसुकिया जिले में स्थित है। यह अरुणाचल प्रदेश के लिए एक आसान मार्ग प्रदान करता है, क्योंकि इसकी सीमा सदिया के पास है। यह पुल महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उत्तरी असम और पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के बीच पहला स्थायी सड़क संपर्क है। विशाल नदी पुल को पार करते हुए जल्द ही हम अरुणाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार शांतिपुर द्वार पर पहुंच गए। हम जरूरी मंजूरी के लिए रुके। दोस्तों, आपको पते के प्रमाण के साथ सरकारी पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड या पासपोर्ट अंकित करना होगा। हमारी यात्रा के दौरान काउंटर का संचालन एक अकेले आदमी द्वारा किया जा रहा था। धीरे धीरे लोग जरूरी मंजूरी के लिए कतार में लग गए। दोस्तों, ILP का नियमन ऑफ नोटिस बोर्ड पर अंकित देख सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रवेश शुल्क 30 रुपए है। ILP अनुमोदन सुरक्षित होने के साथ हम एक बार फिर अपनी यात्रा पर आगे बढ़े। रास्ता हमारे सामने आसानी से खुल गया, जिसके दोनों ओर हरियाली थी। हमारा मार्ग हमें बोमजिर से आगे ले गया, जो सुरम्य सीसर पुल तक फैला हुआ था, जो डुम्बुक गांव से ज्यादा दूर नहीं था और हमारे इच्छित गंतव्य से थोड़ा आगे था। सीसर नदी के झिलमिलाते पानी के ऊपर खूबसूरती से बना यह पुल प्रकृति की कलात्मकता के प्रमाण के रूप में खड़ा है। इसके निकट एक शांत पिकनिक स्थल है, जो यात्रियों को रुकने और अपने आसपास की शांति का आनंद लेने के लिए आमंत्रित करता है। सिसिरी नदी पूर्वी सियांग जिले में अवहाली और निचली दिबांग घाटी जिले में दम्बुक के बीच बहती है। सिसिरी पुल अरुणाचल प्रदेश के भीतर कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। यह ईटानगर और पासीघाट जैसे पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों को रोइंग और तेजू जैसे पूर्वी हिस्सों से जोड़ता है।
जिससे असम के माध्यम से यात्रा की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। रणनीतिक रूप से यह पुल चीन सीमा के पास किबिथू सेक्टर में सेना की आवाजाही में सहायता करता है और आपात स्थिति के दौरान रियांग, सिगार और टूटिंग सैन्य स्टेशनों से त्वरित सैन्य प्रतिक्रिया की सुविधा प्रदान करता है। स्थानीय लोग और पर्यटक समान रूप से इसे एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा और एक लोकप्रिय आकर्षण मानते हुए इसकी प्राकृतिक सुंदरता को समझोते हैं। सिसर पुल से हम बोमजिर में अपने पहले से बुक किए गए नदी शिविर में चले गए। यह सिसर पुल से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। नदी शिविर दिबांग नदी के ठीक किनारे पर है। इसमें टेंट और कॉटेज दोनों जगह रहने की सुविधा है। हमने टेंट बुक किया था जिसमें एक बड़ा किंग साइज बेड और अटैच बाथरूम है। शिविर में दोपहर के भोजन और रात के खाने की रूम सर्विस है, जबकि नाश्ता एक निर्दिष्ट क्षेत्र में करना होता है। मैंने विवरण बॉक्स में बुकिंग का विवरण दिया था। तंबू अपेक्षा के अनुरूप बड़े थे। नदी तट पर बाड़ लगा दी गई है, इसलिए शिविर की ओर से नदी के पानी को छूने की कोई संभावना नहीं है। चेक इन करने और अपना सामान रखने के बाद हम निकटतम शहर रोइंग में अपने दोपहर के भोजन के लिए चले गए। लगभग 24 मिनट की यात्रा के तुरंत बाद हम देवपानी पुल के पास हिल साइड रेस्तरां में पहुंचे। रिजॉर्ट के रेस्तरां अरुणाचल प्रदेश के प्रामाणिक भोजन के लिए प्रसिद्ध हैं। यह एक जंगल के अंदर और एक छोटी सी नदी के किनारे पर है। पारंपरिक बांस से बने कमरों का उपयोग भोजन परोसने के लिए किया जाता है। मेहमान रोइंग के लिए यात्रा कर रहे हैं, इस रिसॉर्ट में फुर्सत के पल बिता सकते हैं। भोजन और पेय ऑर्डर के अनुसार उपलब्ध है। गुणवत्ता ठीक थी, लेकिन ऑर्डर देने के बाद काफी समय लग गया। तो दोस्तों, आप इस रेस्टोरेंट का टेस्ट ले सकते हैं। दोपहर का भोजन पूरा करने के बाद हम स्थानीय साइट देखने के लिए चले गए। देवपानी पार्क, जिसे जवाहरलाल नेहरू वन उद्यान पार्क के नाम से भी जाना जाता है, पहाड़ी किनारे स्थित रेस्तराओं के पास था, तो हम उस पार्क में दाखिल हुए। प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क 20 रुपए है। यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ नहीं है, मुख्य रूप से पार्क बच्चों के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों, अगर आप घूमने जाना चाहते हैं तो देख सकते हैं। रोइंग से केवल 3 किलोमीटर दूर हम प्रसिद्ध सैली झील पर पहुंचे, जो हरे भरे जंगलों से घिरा एक प्राकृतिक नखलिस्तान है, जो शांति और शांति प्रदान करता है। यह स्थान उबड़ खाबड़ है। इसमें कोई शौचालय नहीं है, कोई रेस्तरां नहीं है और बैठने के लिए बहुत कम साफ सुथरी जगह है। यदि आप नौकायन के विकल्पों की तलाश में हैं, तो कुछ चप्पू वाली नावें थीं। फोटोग्राफी के लिए एक स्लीफी पॉइंट है। क्षेत्र का प्रवेश शुल्क 40 रुपये प्रति व्यक्ति है। स्वागत क्षेत्र के किनारे एक छोटी सी पहाड़ी है, जहां आप सीढ़ियों से होकर जा सकते हैं। घूमने के लिए बहुत खराब रखरखाव वाला क्षेत्र। शीर्ष पर एक कियोस्क है और बड़े पेड़ों और झाड़ियों के कारण देखने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि आप साहसी हैं तो आप पहाड़ी पर जा सकते हैं। यदि आपके पास वास्तव में करने के लिए कुछ और नहीं है और आप कुछ शांत समय का आनंद लेना चाहते हैं, तो आप उस स्थान पर जा सकते हैं। हम बहती धारा को छूकर कुछ समय बिताने के लिए बहुत उत्सुक थे, इसलिए दिबांग नदी पुल को पार करते हुए हमने अपना वाहन बोमजिर नदी शिविर के दूसरी तरफ पार्क किया।
हम कंकड़ वाले किनारों के साथ एक इत्मीनान से सैर पर निकल पड़े, जहां हर कदम प्रकृति की फुसफुसाहट की सिम्फनी को गूंजता हुआ प्रतीत होता था। सूर्य एक उग्र गोला ने आकाश के कैनवास पर रंगों का बहुरूप दर्शक बनाते हुए अपना सुंदर उतरना शुरू कर दिया। जैसे ही हमने क्षण भर के आकर्षण के आगे समर्पण कर दिया, समय धीमी गति से धीमा हो गया। पुल के पार वाहनों के लयबद्ध मार्ग ने शांत पृष्ठभूमि के खिलाफ गति की एक तस्वीर चित्रित की, जबकि पक्षी अपने सुंदर पंखों के साथ पानी की सतह पर छाप बनाते हुए आकर्षण को बढ़ा रहे थे। दिबांग की धाराओं का बर्फीला दुलार हमें अपने आप में डूबने के लिए आमंत्रित कर रहा था। इसके बाद हम अपने बोमजिर कैंप के लिए रवाना हुए और नाश्ता करने के बाद हमने अपने टेंट में रात बिताई। अगले दिन हम जितना संभव हो सके और अधिक जानने के लिए अंतर्ज्ञान से जल्दी उठे। नाश्ता खत्म करने के बाद हमने अरुणाचल प्रदेश के प्रसिद्ध स्थान परशुराम कुंड की ओर अपना उद्यम शुरू किया। अरुणाचल प्रदेश में बोमजिर नदी शिविर के शांत आलिंगन से शुरू होकर परशुराम कुंड की ओर यात्रा प्रकृति की भव्यता के बीच से गुजरते हुए 131 किलोमीटर के राजसी मार्ग तक फैली हुई है। ऊबड़ खाबड़ इलाकों और हरे भरे जंगलों को पार करते हुए प्रत्येक मोड़ और मोड़ क्षेत्र की संस्कृति और विरासत की समृद्ध टेपेस्ट्री का एक नया अध्याय उजागर करता है। पूर्वी हिमालय के बीच बसे विचित्र गांवों से गुजरते हुए यह यात्रा प्राचीन जनजातियों और अनकही किंवदंतियों की कहानियों को प्रतिबिंबित करते हुए दृश्यों और ध्वनियों की एक सिम्फनी है। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, परिदृश्य बदल जाता है। हर नजर में लुभावने दृश्य दिखाई देते हैं। प्रत्येक गुजरते किलोमीटर के साथ प्रत्याशा बढ़ती जाती है और अंततः परशुराम कुंड का पवित्र जल सामने आ जाता है। यहाँ प्रकृति के गर्भगृह की शांति के बीच आध्यात्मिकता परिवेश की शांति के साथ जुड़ती है, जिससे गहन आत्मनिरीक्षण और श्रद्धा का माहौल बनता है। इस पवित्र नखलिस्तान के आलिंगन में यात्रा अपनी परिणति पाती है और उन यादों को पीछे छोड़ देती है जो यात्री के कदमों के आकाश में धूमिल हो जाने के बाद भी लंबे समय तक गूंजती रहती है। परशुराम कुंड की उत्पत्ति की कहानी प्राचीन कथाओं से भरी हुई है, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत, कालिका पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों में किया गया है। किंवदंती है कि विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम ने अपने पिता जमदग्नि के आदेश के अनुसार अपनी मां रेणुका का सिर काट दिया था। मुक्ति की तलाश में परशुराम ने अपनी मां के पुनरुद्धार की इच्छा रखते हुए वरदान मांगा, लेकिन उनका पाप बना रहा। खुद को शुद्ध करने के लिए उन्होंने लोहित जिले में ब्रह्मकुंड खोदा, जहां उनकी कुल्हाड़ी अंततः गिर गई और उस स्थान को परशुराम कुंड के रूप में चिह्नित किया गया। आज यह पवित्र स्थल अनगिनत तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है, विशेष रूप से शुभ मकर संक्रांति के दौरान ठंडी हवाओं को सहते हुए इसके पवित्र जल में स्नान करने के लिए। आवास संबंधी चुनौतियों के बावजूद दूर दूर से आए साधुओं के साथ श्रद्धालु एकत्रित होते हैं और लोहित नदी की शांत पृष्ठभूमि के बीच आध्यात्मिक सौहार्द की भावना को बढ़ावा देते हैं। शांत परशुराम कुंड को पीछे छोड़ते हुए हमारी यात्रा हमें अरुणाचल के सुरम्य परिदृश्य से होते हुए नामसाई में गोल्डन पैगोडा की ओर ले गई। 70 किलोमीटर में घुमावदार सड़कों से हरे भरे चावल के खेत और विचित्र गांव दिखाई देते हैं। पगोडा में इसका सुनहरा अग्रभाग सूर्य की चमक के नीचे चमक रहा था, जो हमें शांति का स्वागत कर रहा था। अंदर बुद्ध की कहानियों को दर्शाते भित्ति चित्रों के बीच भिक्षुओं के मंत्र गूंज रहे थे।
सांकेन 2024 उत्सव की खोज करते हुए हम स्थानीय लोगों के साथ पानी छिड़कने में शामिल हुए जो पवित्रता का प्रतीक है और औपचारिक बुद्ध स्नान देखा। सोने इंतु 3 दिनों के उत्सव में ढोल बजाना, नृत्य करना, घर में बनी मिठाइयां और उपहारों का आदान प्रदान शामिल था। शिवालय पर चढ़ते हुए मनोरम दृश्य फैले हुए थे जो सुनहरे रंगों और हरे भरे दृश्यों के बीच सांत्वना प्रदान करते थे। जब हम विदा ले रहे थे तो गोल्डन पैगोडा की शांति बनी रही जो अरुणाचल की सांस्कृतिक टेपेस्ट्री के माध्यम से हमारी निरंतर यात्रा को प्रेरित करती रही। नए उत्साह के साथ हमने अपने साहसिक कार्य के अगले अध्याय के आकर्षण को अपनाया। जैसे ही सूरज ढलने लगा, दिन के अंत का संकेत देते हुए हमने पगोड़ा से 108 किलोमीटर की यात्रा करके दुलियाजान लौटने के लिए खुद को तैयार किया। सड़क पर लगभग 2 घंटे और 22 मिनट आगे चलकर हम अपने अभियान की परिणति पर पहुंचे। फीकी रोशनी के बावजूद हमारी आत्माएं हमारे साहसिक कार्य की यादों से उज्ज्वल बनी रही। भरे हुए दिल और समृद्ध दिमाग के साथ हमने अपनी यात्रा के समापन को स्वीकार किया। अपने अनुभवों का सार लेकर हम घर की ओर बढ़े। तो दोस्तों, आशा है कि आपको हमारा कम समय का सफर पसंद आया होगा। आप इन स्थानों पर उद्यम करना पसंद कर सकते हैं। मैंने अपने विवरण बॉक्स में ट्रैवल पार्टनर्स के संपर्क नंबर साझा किए हैं। अधिक रोमांचकारी यात्रा व्लॉग के लिए मेरे यूट्यूब चैनल अर्थ ड्वेलर रुद्र पर बने रहे। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।